का शीर्षक है स्वतंत्रता की ओर। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ न बताता। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास, महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। जहां पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते, पति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, और गांधी जी की बातें सुनते। साबरमती में सबको कोई न कोई काम करना होता, खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दुहना और सब्जी उगाना। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी, वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं। कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, जैसे कि वो धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी। कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वो रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रही है? उसने पूछा। खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा? कहाँ जा रही हैं? धनी ने सवाल किया। समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से धनी। अम्मा जरा गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया, जहां बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा। धनी उनके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रही हैं क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रही है? कहाँ जा रही है? क्या हो रहा है? बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। धनी बिन्नी को खींचकर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांव और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। नमक?
धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे? वो तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। हाँ, मुझे मालूम है। बिंदा हंसा। पर महात्मा जी की एक योजना है। ये तो तुम्हें पता ही है कि वो किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल सही। मैं जानता हूँ, वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? ये तो समझदारी वाली बात नहीं है। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? अच्छा? धनी हैरान रह गया। नमक की जरूरत सभी को है। इसका मतलब है कि हर भारतवासी, गरीब से गरीब भी ये कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया। लेकिन ये तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। हाँ, ये अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। हाँ, महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने ये बात ठुकरा दी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया है कि वे दांडी चल कर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। एक महीने तक पैदल चलेंगे? धनी सोचकर परेशान हो रहा था। गांधी जी तो थक जाएंगे। वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो ये खबर फैलेगी, अखबारों में फोटो छपेंगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग ये जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और ब्रिटिश सरकार के लिए ये बड़ी शर्म की बात होगी। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, है ना? धनी की आंखें चमकी। बिंदा ने हंसकर कहा। हाँ, वो तो हैं ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा कात रहे थे। पिताजी। हाँ। क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बात मत करो धनी। तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। धनी ने हट पकड़ ली। मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया। सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, वो जरूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहां से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वो समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वो आश्रम में पैदल घूमते थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर वो सब्जी के बगीचे में मटर
और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा। यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी बापू। और ये तुम्हारी बकरी है? जी हाँ, ये मेरी दोस्त बिन्नी है जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया। मैं इसकी देखभाल करता हूँ। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब ये बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। हाँ? धनी थोड़ा घबराया। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। गांधी जी मुस्कुराए। तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है, सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं हैं, धनी बोला। आप नहीं थक जाएंगे? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ, धनी भी अड़ गया। हाँ ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले। मगर एक समस्या है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमजोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। ये बात तो ठीक है, बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया। और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले। जी हाँ करूंगा, धनी बोला। बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे। स्वतंत्रता की ओर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम। विषय संयोजन प्रोफेसर मंजुला माथुर, पाठ समन्वय लता पांडे, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, आलेख सुभद्रा सेन गुप्ता, अनुवाद मनीषा चौधरी, कलाकार राजश्री त्रिवेदी, राजेश आहूजा, सुनील लोहिया, जैमिनी कुमार और आकाश, तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े, ध्वनियांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी, निर्माण वंदनारी मर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT।